just no. He's sitting there, but what has he done there? Ek player ko knock kara, dusre player ko knock kara. He has done it. He is crazy, but not for long. And Global Esports उनको टेक डाउन करेंगे। उम्मीद करते हैं कि जी की स्क्वाड इस वक्त मैक्सिमम फिनिशर्स यहां से निकाल के जाए। सारंग ने स्पॉट किया, गिल को डाउन किया, पूरी तरीके से खत्म। 7C दो खिलाड़ियों के साथ, जी की बात करें तीन खिलाड़ी उनके अभी भी यहां पे मौजूद रहेंगे। विनर विनर चिकन डिनर, दो मैच से निकाला नहीं है जी की स्क्वाड ने। टॉप 5 में आए जरूर थे, एक मैच में टॉप 3 पे आए, एक मैच में टॉप 2 पे आए। सारंग लास्ट खिलाड़ी जो अपनी टीम से इस वक्त मौजूद रहेंगे, बट अभी भी आप देखें वो सर्कल के बाहर है। सर्कल के अंदर आने की कोशिश कर जरूर, बट मान्य अकेले बचे यहाँ पे, अपनी टीम से काफी ज्यादा दूर निकले जरूर। बट सारंग उनको स्पॉट किया गया, वो व्हीकल चढ़ा देंगे जी नहीं, बट पीछे एक और खिलाड़ी जी का मौजूद है। इसी के साथ फाइनली विनर विनर चिकन डिनर निकालती हुई ग्लोबल ईस्पोर्ट्स की स्क्वाड। देखिए फाइनली चिकन आया, देर से आया, दुरुस्त आया, बट सेकंड दिन के आखिरी गेम में आ ही गया। और अब कल का दिन है, ग्लोबल ईस्पोर्ट्स थोड़ा सा और क्लाइंब करना यहाँ पे चाहेंगी। कोई रिएक्शन नहीं है प्लेयर्स का, पता है नॉर्मल उनके लिए एवरीडे जॉब है चिकन डिनर निकालना। और देखेंगे इस पर्टिकुलर मैच से कितने अंक हर एक टीम लेकर के जाने वाली है। 25 अंक का इजाफा होगा टीम ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के खेल में। बात करें अगर हम टीम से,